दोस्तों नमस्कार, मैं लेखपाल अक्षय द्विवेदी आपको लेखपाल भर्ती 2022 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या आवश्यक चीजें हैं, क्या क्या जरूरत पड़ेगा ये आपको बताने जा रहे हैं। लेखपाल भर्ती 2022 में वैकेंसी 8085 है, एग्जाम 31 जुलाई 2022 को हुआ था और इसका रिजल्ट 5/2023 को आया, लेकिन रिजल्ट में इन्होंने 27,455 अभ्यर्थी बुलाए थे जिनमें से सिलेक्शन सिर्फ 8085 लोगों का होना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 27,455 लोगों का होगा। सभी अभ्यर्थियों को लखनऊ में गोमती नगर में पिकअप भवन पर UP SSC के ऑफिस में बुलाया गया है, वहीं पे सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक चीजें देखिए, सबसे पहले तो हाई स्कूल की मार्कशीट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हाई स्कूल की मार्कशीट से वो लोग आपका नाम, पिता का नाम चेक करते हैं। लेकिन जो विवाहित लड़कियां हैं, अभ्यर्थी हैं, उनकी मार्कशीट में पिता का नाम होगा लेकिन आधार कार्ड और अन्य सारे कागजात जो होंगे वर्तमान में वो पति के नाम से होते हैं, उसमें सिर्फ एक शपथ पत्र दिया जाएगा और वो मान्य हो जाता है। हाई स्कूल की मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट, चूंकि ये वैकेंसी सिर्फ इंटर लेवल की है इसलिए आपको ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का या किसी भी प्रकार का आपने डिप्लोमा करके रखा है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है और ज़्यादा स्मार्ट न बनते हुए उनको ले जाने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही ले जाएं। और अगर आपका सिलेक्शन OBC में हुआ है, EWS में हुआ है तो आपके लिए जात प्रमाण पत्र OBC SC ST के लिए जात प्रमाण पत्र आवश्यक होगा, EWS के लिए आप अपना 2022 में जो बनवाया था अभ्यर्थन के समय वो वाला EWS लेके जाएं। और इसमें मैंने आधार कार्ड इसलिए मेंशन नहीं किया, आधार कार्ड मैंडेटरी है, उसको तो आप ले ही जाएंगे आधार कार्ड, और संभावित तौर पे 2 फोटो भी ले जानी होंगी आपको वहां पे, एकदम से अगर फोटो मांगते हैं तो जरूरत पड़ सकती है तो आप अपने इसके लिए तैयार रहिए कि आप 2 फोटो जरूर लेकर जाए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभी आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, डेट डिसाइड होगी आपको किस दिन जाना है क्योंकि 27,000 लोग हैं लगभग, 19 से चालू होगा और ये लगभग 1 महीने चलता रहेगा। इसमें प्रतिदिन लगभग 600 बच्चे बुलाए जाएंगे और दिया 1 महीने से ऊपर चलेगी। जो अभ्यर्थी एक्स सर्विसमैन वाले हैं या PH कैटेगरी में आते हैं वो लोग अपना सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, तो साथ ही EWS वाले हैं वो अपना EWS के साथ साथ इनकम सर्टिफिकेट अवश्य लेके जाएं, क्योंकि कई बार कई एग्जाम में कई परीक्षाओं में जैसे SSC में अभी बराबर EWS के साथ साथ उन्होंने इनकम सर्टिफिकेट भी मांग लिया, तो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट भी लेके जाएं। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आवश्यक कागज है जो आपको जरूरत पड़ेगा और जिसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट के बाद जो प्रक्रिया होती है वो अलग प्रक्रिया है, उसके डॉक्यूमेंट आपको अलग तरह से देने होंगे, वो ये वाले डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। जब फाइनल रिजल्ट आएगा आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह क्या क्या डॉक्यूमेंट तब लगेंगे और उसी क्रम में हम आपको बताते जाएंगे। दोस्तों इसमें आप लोग बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं कि किस हिसाब से मेरिट जाएगी, कितना मेरिट जाएगी। इसमें अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा EWS के लिए 75.75 है, देखिए, और अनुसूचित जाति की कटाव
75.75 है और अनुसूचित जनजाति 66.50 है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप सही से कराइए और इसमें बहुत ज्यादा मेरिट बढ़ने की उम्मीद कम है, आरक्षित है। इसमें आपका 2 से 3 नंबर बढ़ सकता है और अनुसूचित जाति भी लगभग इतना ही बढ़ेगी और अनुसूचित जनजाति भी 3 नंबर। इससे ज्यादा मेरिट बढ़ने की संभावना बहुत कम है, इसलिए आराम से जाइए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। और ये 2022 की जो वैकेंसी है ये पूरे स्टेट लेवल की आई थी, जबकि 2016 भर्ती जो जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था ये सभी जिलों की अलग अलग थी, क्योंकि लेखपाल जिले में ही तैनात रहता है और पूरी उम्मीद है कि इस तैनाती है वो जिले के हिसाब से ही होगी, आपको अपने जिले में मिल जाएगी। ओके, धन्यवाद।